गुरु प्यारी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का दिलों धन्यवाद करदा, जिन्होंने आदेश दिता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि बंदी सिखां दी रिहाई वास्ते सारे पंथ नूं इकट्ठा करी। अज मैं कह सकदा एक इतिहासिक दिन है। मैनू आप सियासत विच तकरीबन 25-26 साल होए है। अज ऐजी जथेबंदियां, ऐजे शख्सियत, ऐजे लोग इकट्ठे होए है एक प्लेटफॉर्म ते, जिहड़े अज तक नहीं होए सी। सिख कौम एक छोटी जी कौम है, जे सारे दे दुनिया के धर्मां दे हिसाब नाल देखिए अपना नंबर थोड़ा है, पर अपने लोगों ने प्राप्तियां बहुत कीतियां है। जिथे भी आप दुनिया बसे हैं आप उत्थे राज ही कीता है, अपना ना कौम दा उत्ते चढ़िया। कोई भी सिख तुसी हाथ फैलाउंदा नहीं देखोगे, मेहनत करदा देखोगे। आ एक बहुत वड्डा आपां नूं गुरु महाराज ते गुरती लै लो वर मिलिया सेवा दा ते शहादत दा। जिथे भी कोई लोड़ पए सेवा करन च, मैं लगता सब तो पहले आपां पहुँचते हैं। ना आपां नूं अपनी जान दा डर हुंदा। हुण कोविड दी बीमारी जदों सी, लोकी अपने घरां च वड़ गए सी, सरकारां फेल हो गईं, पर अपने भैण भरावां ने, अपने जथेबंदियां ने ना परवाह करदे होए लंगर सेवा तो लैके ऑक्सीजन सेवा तो लैके जिथे जिथे लोड़ पई आपां कीती। कल्ले अपने देश च नहीं, दुनिया के वख-वख देशां च जदों भी कोई समस्या आउंदी है सब तो अगे अपने सिख भैण भरा हुंदे आ। हुण जदों जुल्म हुंदा है उह जुल्म दा टाकरा भी आपां करदे आ। अज जिवें आपां इकट्ठे होए हैं बंदी सिखां दी रिहाई वास्ते, आ जिहड़े बंदी सिख है इन्हां ने कोई कि जान के, या मेरा मतलब है कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जो उस समय का माहौल सी, उस जुल्म देख के अपनी कौम से 84 के अंदर कतलेआम जो होए, जो टैंकों तोपा ने दरबार साहब के हमले होए, उस सिचुएशन इमोशन जड़िया कौम दी इमोशनज है उन्होंने इमोशनस करके उन्होंने कदम चुके। सजा हुई, सजा पूरी कर ली, एक बार भी कोई चू नहीं किया, ना कुछ कुछ किया। आ एक बहुत वड्डी शक्ति है। देखो 27 साल अपने भुल्लर साहब, 27 साल साहब गुरदीप सिंह खेरा जी, 32 साल जगतार सिंह हवारा जी, 26 साल राजवाना साहब, 27 साल मैनू एक्ती पहली बार मौका मिलिया राजवाना साहब नूं मिलन दा जेल च। मैं पिछे पटियाले गया सी, पहले तो सानूं मिल नहीं दिंदे सी, पहली बार मैं उन्हां दे चेहरे ते जिवें चढ़दी कला दा सुनेहा हुंदा ना, कुछ हौसला हुंदा, ऐ लगदा ही नहीं सी कि 26 साल हो गए, 27 साल हो गए। 27 साल एक 8x4 मतलब 4 फुट दे सैल विच रहना, 28 साल ते फिर भी चढ़दी कला च रहना, कोई डिमोरलाइज नहीं होना, ते उन्होंने ऐवें फिक्र पता नहीं कि कदों छुटना है। देखो जो 30-30 साल दे सी, 25-25 साल दे सी, अज वो 60 साल दे हो गए। पूरी जिंदगी वड्डी गल है। देखो उन्होंने परोल भी नहीं दित्ती गई, परोल भी मैं लगता एक राइट है, एक हक है, जेड़ा लीगल राइट है तो हक है, पर परोल नहीं दित्ती जांदी। ते कल्ले देश दे कोने कोने च अपने सिंह
उन्होंने जेलों रखे। अज इस कत्तरता च भी बहुत अजे सिंह है जिन्होंने बंदी किया गया सी। उस माहौल के दौरान मान साहब आप बैठे है, मैं पूछ रहा सी मान साहब नूं, पांच साल इन्होंने लगातार रखे, उस टाइम इन्होंने जुल्म भी किए, उसके बाद भी इन्हों समय समय छे महीने तीन महीने जेलों च रखते गए। इतने बहुत होर सिंह बैठे है जिहड़े किसी नूं छे साल कट्टने पे, किसी नूं अठ साल कट्टने पे। अकाली दल की लीडरशिप भी बैठी है जिन्होंने आजादी के बाद कौमी मसलों करके, पंजाब के मसलों करके जेलों कटिया। आ एक बहुत वड्डी आपनूं ताकत अपने खून च गुरुआ ने आपनूं ऐजी बख्शिश दी, अपनी ऐजा सिर ते मेहर रखिया कि आपां लगातार जुल्म दी खिलाफ लड़ते रहे हैं। आ एक ताकत है। तो इस करके मैं एक बेनती जरूर करना चाहवांगा, जे कौम कट्ठी है तो तकड़ी है। अपने अज आप कट्ठे होए हैं, बहुत आप एक दूजे के खिलाफ बोले भी होने हैं, इलैक्शन भी लड़े होने हैं, वो एक सियासी खड़ा है। पर जो कोई धार्मिक इशू आ जाए उदों आप सारे कट्ठे हो जाए करिए। घट तो घट धार्मिक इशू तो अपन सारे कट्ठे होना चाहिए, एक झंडे थले कट्ठे हो जाए। कोई आ कोई चौधर की गल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपनिया दो इंस्टीट्यूशनज है जी, अपन सब तो वड्डी ताकत अपने च है कि आप अपनिया दो इंस्टीट्यूशन आ जिसे थले आप पंथ कट्ठा हो जाता है। श्री अकाल तख्त साहब अपने जिमें सुप्रीम अथॉरिटी है, हले भी कोई लोग किंतु बिंतु करते, मैं उन्होंने चरणा च बेनती करते हैं, श्री अकाल तख्त साहब के कोई भी फैसला होए आप किंतु बिंतु ना करिए, क्योंकि जे आप इंस्टीट्यूशन कमजोर कर दिता अपनी अद्धी ताकत हो जानी है। उवें एस जी पी सी है, एस जी पी सी अपना पार्लीमेंट है, इलैक्शन राही इलैक्शन होंदा है ते लोकी जिते जांदे। मैं लगता है दुनिया में ऐसा कोई कौम नहीं जिथे इलैक्शन राही डेमोक्रेटिक तरीके नाल इलैक्शन होंदा ते वो इलैक्शन राही कमेटी चुनी जाती है। कोई कमेटी तो कोई गलतियां भी हो जा नहीं होन, पर आपां नूं अपनी कमेटी, क्योंकि की है बाहरले जो धर्मां दे लोग जो देखते हैं कि आपां अपने इंस्टीट्यूशन नूं किते गोलदने उहदा नुकसान हुंदा है। इस करके मैनू अज बड़ी खुशी है धामी साहब तुहानू वधाई देना चाहुंदा। देखो अज सही मिने ते अज पंत कट्ठा होया, सही मिने ते सरना साहब बैठे है, मनजीत जी के जी बैठे है, मतलब वक् वक् जथेबंदियां बैठी है। मान साहब तो मैं ना ही लिता, मान साहब का मैं पैरिया तलाया सी जदों, मैं इन्हों का बड़ा सत्कार करता। देखो भावें साडे पोलिटिकल सियासी कोई मर्जी मत में होन, पर इन्हों की सीनियोरिटी, इन्हों की जो कुरबानी, इन्हों की जो लड़ाई, वो आप सारे सत्कार करते हैं। तो इस करके अज बहुत सारे जिन्हिया जथेबंदियां, बहुत जथेबंदियां जिन्होंने लगातार संघर्ष वढ़िया बंदी सिंघां दी रदाई वास्ते, मैं उन्होंने बधाई देना चाहना। वक् वक् टाइम च हर जथेबंदी ने कुछ ना कुछ योगदान पाया। बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल के मुखी जेड़े, मैं इन्हों का बहुत सत्कार करदा। जो भी कोई पंथिक इशू आ जाए इन्होंने सब तो अगे होके लग जाना। अज बहुत महापुरख बैठे है। तो इस करके जी अज की मीटिंग है, मैं लगता है एज आ स्नेहा अज तक नहीं गया होना पंथक अकेता का जोड़ा अज गया। तो मैं चाहना कि आप स्नेहा पक्का ही रहे कि आ कौम ए जी है, भावें एक दूजे ना सियासी लड़ाई जिन्नी मर्जियां होन, पर जो धर्म का मसला आ जाए एस जी पी सी के झंडे थले, क्योंकि आ अपनी श्री अकाल तख्त साहब के एस जी पी के झंडे थले आप कट्ठे हो जाए करिए। देखो अपनी ताकत है। मैं एक गल कि गल की सी, मुस्लिम कम्यूनिटी आप तो ज़्यादा 16-17% है,
पर उन्हां दी एकता है नहीं। उन्हां नूं जिहड़ा धक्का, आपां भावें कित्थे भी हां आपां कट्ठे तां हैगे ना, आपां डर है। सो अपना एकता जो अज दिखाया है, मैं तो परमात्मा की अज कहना बख्शिश ही हुई है अपने ते, कौम ते बख्शिश हुई है कि आपां ऐ अच्छा ऐ बैठे हैं। अच्छा एक गल हो रहा है, जो एजेंडा है उस एजेंडे ते बाहर कोई नहीं गया, आ भी बहुत वड्डी खुशी है। भावें अपना कोई मर्जी पोलिटिकल मिशन होए पर वो इत्थे जाहिर नहीं किया, अपना एजेंडा एक लाइक रखिया कौम का एजेंडा। तो इस करके मैं दिल दी गहराइयां तो अज वक् वक् जथेबंदियां आए हैं, महापुरख आए हैं, सारे दे चरणां च धन्नवाद करदा, सारी लीडरशिप का धन्नवाद करदा। तो मैं इन्ना ही कहना चाहना, जो फैसले एस जी पी सी लेगी, जो प्लैन एस जी पी सी बनाएगी, श्रोमणी अकाली दल अखा मीच के असी वो प्रोग्राम विच हिस्सा लेवांगे। एको एक बेनती है कि जो हुण मिशन फड़ लिया, पंजाब पंथिक एकता का मिशन फड़ लिया, आ मिशन कला अज का ना रह जाए। धामी साहब हुण थोड़ी जिम्मेवारी है, सारी कौम थोड़ी अगवाई थले आ गई है। तुसी जो हुक्म कहोगे, जो करोगे, जो प्रोग्राम दोगे, जो कमेटी बनाओगे, जिमें जिमें उस कमेटी अपना मिशन होना चाहिए हूँ आप पंथक एकता का, कि जदों तक बंदी सिख रिहा नहीं होंगे, आप कौम कट्ठे होकर फैसला करना, जो जो स्टैप जो जो कदम चकने पैन कट्ठे होकर चलीए। थोड़े तो इस करके अज का जो चढ़ती कला का सुनिया गया, एकता का कट्ठा सुनिया गया, मैं सारे लख लख बधाई देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।